अभी जो हमने पत्ते तोड़े थे जनाब, ये देखे हल्के हल्के सुराख हो गए हैं, वो कीड़े खा रहे हैं। अब जनाब इनको अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, तबीयत से ठीक है। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फिर चांगा मांगा जंगल से। तो दिस इज मिस्टर व्लॉगर 1.0 बोले तो हीरो। तो जनाब बात ये है कि अभी सुबह तो नहीं, तकरीबन 11-12 का टाइम हो गया। तो जनाब मैं जंगल में आ चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि जो हमने बीज जनाब लिया था रेशम के कीड़ों का, तो उसमें से कीड़े निकल आए हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए इमरजेंसी जनाब मुझे अब पत्तों की ज़रूरत है। तो मैं छांगा मांगा जंगल में पत्ता तोड़ने आ चुका हूँ। तो बस अभी जल्दी जल्दी तोड़ते हैं, बाकी ये सूरत हाल मैं घर आपको जाके दिखाता भी हूँ वो कीड़े भी, और फिर क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे फिर आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये इस तरीके से जनाब पत्ते तोड़े जाते हैं और जल्दी जल्दी तोड़े जाते हैं। अभी तो इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा ना, ये जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, इनका साइज़ बिल्कुल बड़ा हो जाएगा जनाब, इतना एक हाथ हाथ जितना, आधे आधा हाथ जितना जनाब इनका साइज़ हो जाएगा, फिर तो जनाब शूटर काम होगा। ये देखें जी, ये छोटे इस वजह से ना कि अभी वो पंजाबी में कहते हैं अभी फोट है, अभी इनकी शुरुआत है, पत्ते अभी पूरे तैयार हुए नहीं। लेकिन मसला ये बन गया कि जो मतलब वो होते हैं कीड़े रेशम, उनको ना एक गठड़ी में बांध दिया जाता है तकरीबन आप कह सकते हैं एक हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर उनको ना हीट दी जाती है कि मतलब किसी बिस्तर वगैरह में बांधा जाता है, फिर वो ना आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे निकल आते हैं। तो अब वो ऐसा हमने आज खोल के देखा है कि वो छोटे छोटे निकल आए हैं, तो आज हमें एमरजेंसी पत्तों की ज़रूरत थी, तो जनाब इसलिए हम ये छोटे छोटे ही उतार रहे हैं। ये सारी नर्सरी जनाब जो है ये शतूतों की ही है, लेकिन अभी इसमें जनाब हुए नहीं, ये सिर्फ इतने इतने हैं अभी। तो आज पहला दिन था और हाथों का हाल देख लें, अभी तो जनाब सारा दिन इधर रुकना करना है। तो अभी कोई बड़ा सा देखते हैं और उसको करते हैं नीचे, ताकि जनाब जल्दी जल्दी फिर काम हो जाए। अल्लाह अकबर, ये देखें जी इसको कर लेते हैं नीचे, क्योंकि इस पर ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, इस पर ठीक है। तो इसमें से जनाब मैं तोड़ लेता हूँ, तो बस जल्दी जल्दी तोड़ते हैं फिर चलते हैं घर इंशाल्लाह। तो बस जनाब इतनी तोड़ ली हैं, अभी सिर्फ एक झोली जनाब, झोली ही कहते हैं वो झोलियाँ बांधी जाती हैं जनाब, तो बस वो एक रह गई है, फिर वो जनाब भर के फिर चलते हैं घर। हम लीगली काम कर रहे हैं, हमारे साथ जनाब हमने परमिट लिए हैं महकमा जंगलात की तरफ से कि जनाब हमने पत्ते तोड़ने हैं, तो इसलिए इलीगल काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये महकमा जंगलात परमिट इशू करता है रेशम के, तो ये जनाब जब सीज़न स्टार्ट हुआ हमने परमिट ले लिए हैं, तो बस अभी इनको बांधते हैं और फिर जनाब चलते हैं अपने घर की तरफ, और फिर घर जा के जनाब, तो बस फिर घर जाके इंशाल्लाह ताला मैं आपको कीड़ों का भी दीदार करवाता हूँ आज। ये जनाब जो कीड़ों का बीज था ना, हमने इस गठड़ी के अंदर रखा हुआ था, तो और एक गठड़ी वो पड़ी है, ये देखें ये वाली, इसके अंदर रखा हुआ था। तो बीज का जनाब जो साइज़ होता है ना, वो तकरीबन इतना होता है कि जो कलवंजी का दाना होता है ना ब्लैक ब्लैक, उतना होता है। उसके बाद फिर वो वाइट हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वाइट होता है, तो वाइट के जनाब फिर उसमें से वो कीड़ा निकल आता है, जो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ सब कुछ। तो उसके बाद जनाब इनको जनाब इन ट्रंक्स के अंदर जनाब हम रख देंगे। अब इनकी अगली मंजिल ये है, ये मंजिल इसके अंदर जनाब रख के और जनाब इनको पैक कर देंगे। उसके बाद जनाब हम वो इनकी बकायदा ट्रेज वगैरह लगाएंगे, वो भी मैं आपको बस दिखाता रहूँगा। तो बस ये देखें जनाब, ये है कीड़े शरीफ, ये खुल चुके हैं अभी तकरीबन, इनको हफ्ता हमने बांध के रखा है, ये तो भाग जाते थे, पकड़ के लाते थे हम फिर। दरमियान पहुंचने लाई जावा, एक मिनट नरम ही है, वो नरम है। ये जनाब इनको हिलाया जा रहा है कि जो आपस में जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाए और बाहर निकल आए। ये पंख हमने जनाब इसलिए रखा हुआ है ताकि ये जो साइडों पे चले जाते हैं ना, फिर इनको जनाब, हाँ ये जनाब जो साइडों पे चले जाते हैं उनको जनाब सीट की इधर ले आएंगे। अभी जो हमने पत्ते तोड़े थे जनाब, ये देखें हल्के हल्के सुराख हो गए हैं, वो कीड़े खा रहे हैं इन्हें, तो इनको जनाब अब इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इधर शिफ्ट करने का मकसद के ये जनाब जिन पत्तों के ऊपर कीड़े चढ़ गए इनको इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो पत्थर अच्छा ना साइड पे हो जाओ, के ऊपर नहीं चढ़े
पत्तों के ऊपर, ये इनके ऊपर नहीं रख देते हैं ताकि इनके ऊपर भी चढ़ जाएं। ये देखें ये सारे इधर ना कीड़े चढ़ गए हैं, तो इनको जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उठाते हैं और उठा के जनाब इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये सारे लहदा लहदा शिफ्ट कर रहे हैं, फिर इनको जनाब उठा के इधर तिजोरियों में हम बंद कर देंगे। ये देखें ये भी जो वाइट वाइट है ना, ये देखें ये वाले नज़र आ रहे हैं फिजान, ये वाइट वाइट अभी इन्होंने ब्लैक होना है, तो इनको जनाब इधर ही रखेंगे और इनके ऊपर जनाब ऐसे फिर पत्थर को जोड़ देंगे। ठीक हो गया। हाँ ब्लैक है ना, इनको उठाते हैं। ये देखो इसके पीछे वाइट वाइट ज़्यादा है ना, तो इसको जनाब ऐसे करेंगे ऊपर से वो पंख पकड़ेंगे। ये पंख मैंने इसलिए पकड़ा है कि इसके पीछे ना ये ज़्यादा है सफ़ेद बीज, ये अगर उधर चला जाएगा ना तो फिर ये काला नहीं हो पाएगा, नीचे दब जाएगा। इस वजह से जनाब इसको बड़े प्यार से उतारते हैं। उतारने के हाँ जी, ये अब इसको साफ़ कर लिया और इसको जनाब इधर शिफ्ट कर देते हैं। बस अभी करते हैं काम और काम ख़त्म करके फिर उनसे मिलते हैं, क्या तो काम करते हैं। 2000 years later. गाइस आप उधर सारे काम कर रहे हैं और आमना काम देखें आप, लो चली गई। ये भी जनाब एक कीड़ा निकला है। ये वाला कीड़ा है एक। इसके अंदर चटाई के अंदर छुपी हुई थी ये। A few moments later. अब जनाब इनको अच्छी तरह सेटमेंट करके इनके घर में रख देते हैं। इधर इधर रख देंगे तकरीबन अब 2-3 दिन के लिए इनका घर यही होगा। ये जो रह गया इसका ये कुछ हिस्सा रह गया, ये कीड़े जब इसके पत्तों के ऊपर आ जाएंगे फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको भी उठा के जनाब इनके न्यू घर में शिफ्ट कर देंगे। 2-3 दिन इधर रहेंगे, उसके बाद इनका नया घर बनाएंगे, 5-स्टार होटल इनके लिए। चुप कर बे कुत्ते। बिल्कुल वैसा स्विमिंग पूल बनाएंगे इनके लिए, सिनेमा बनाएंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे इनके लिए, इनको बड़ी फैसिलिटीज़ देंगे। लगता ये पागल हो गया। तो बस अभी इनका इंतज़ार है, ये भी रेडी हो जाए फिर इनके बाद इनको जनाब इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। ऐसे 3-4-5 जनाब अंदर भी ऐसे तिजोरियाँ हमने शिफ्ट कर देंगे, तो बस इसको भी कर देंगे। ये तकरीबन जनाब सुबह उठ के इस्तेमाल के लिए, कि सुबह सुबह जनाब जो इनके सुबह सुबह बच्चे हैं ना सुबह सुबह नाश्ता मांग रहे हैं, तो सुबह सुबह नाश्ते के लिए बस इतने पत्ते काफ़ी हैं। अभी छोटे हैं ना इस वजह से, जब ये बड़ी हो जाएंगे ना ये कीड़े बड़े हो जाएंगे इतने इतने, फिर इतने पत्थर चाहिए होंगे, पत्ते इतने पत्ते चाहिए होंगे। तो बस कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला करेंगे तो अभी इन चीज़ों को समेट लें। समेटने के बाद और ये देखें एक निशानी, ये देखें ये देना अभी ये देखें उसके बाद ये देखें बड़ा कुछ है, ये कीड़ों की निशानियाँ। बस अभी ये चीज़ें समेट लें, समेटने के बाद फिर आपसे गपशप करेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। तो बस जनाब अभी कीड़ों को समेट लिया, उनको खाना खिला दिया और उसके बाद खुद को भी भूख लगी थी, खुद भी खाना खा लिया, तो जनाब इधर आके बैठ गए। तो बस आज का दिन बड़ा जनाब भाग दौड़ में गुज़रा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आज कीड़े निकल आएंगे, तो वो बस अचानक देखा तो वो निकल आए। एक्सपेक्टेशंस यही थी कल या परसों निकलेंगे, लेकिन वो आज निकल आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तो बस आज उनको कैसे संभाला, क्या क्या किया, वो आपको सारा मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला उनका घर बनाएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा, तो उस पर ख़र्चा कितना आएगा मैं वो भी आपको मतलब पूरी डिटेल दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो बस इंशाल्लाह ताला, तो बस अब नए व्लॉग में फिर आपसे मिलने आएंगे। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ घंटी को दबाइएगा। इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में फिर मिलने आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। La la la.